ये कौन बैठा है? इधर लाओ नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा, ये क्या कर लिया? क्यूट ये तो आपकी बचपन की टॉपी है ना। लग रही है ना। हाँ तो आप जब छोटे थे तब पहनाते थे आपको, अभी भी आ गई? मैं कितना लग लाऊ क्यूटी पाई। आप ही क्या करने बैठे हो? देखो भाई सब सफाई तो हो गई, केवल मेरी अलमीरा रह गई थी, ले तो अब मैं मेरा काम भी तो कर लूँ। और ये वाली टोपी याद है आपको? मुझे दिखाओ। दे दे। ये क्या है? ये क्या है? ये ऐसे नहीं पहनते। मेरे को नहीं आती, बता दो। भी देखो ये क्या है, मेरे को नहीं पता। अरे ये वो वाली टोपी है जो मैं कुल्लू से लाई थी। दो। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अलग ही लुक आ रहा है, पता फनी ऐसा लग रहा हो? नहीं नहीं अच्छे लग रहे हो। और ये पता है सिर को यहाँ से बड़ा गर्म रखती है, बहुत अच्छी होती है टोपी। मैं कुल्लू से लाई थी वो है। कहाँ से? कुल्लू। कुल्लू मना नहीं कुल्लू सुना। जो जैसा होता है ना उसको वही सुनता है। सा होता है उसको वही। वहाँ पे यही टोपी आज पहना करो। चलो मैं मेरा काम कर लूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं मेरी अलमीरा साफ कर रही हूँ। साफ क्या, जमा रही हूँ, क्योंकि बाकी सारा घर साफ हो गया है। मम्मी ने अलमीरा खोल के देखी तो मेरी केयर नहीं है इसलिए। मम्मी मेरे को कल कह रही थी समझा देना उसको। अच्छा। आंटी तू समझ ले तो अच्छा है ना। मम्मी से मम्मा नहीं कह रही है। ध्यान आ गया इसलिए तो वापस। चलो मैं अपना काम करती हूँ, फिर मिलते हैं, है ना? ठीक है, मैं देखता हूँ क्या गलती है करते हो। ये क्या कर रहे हो? अरे ये पापा का कोट है, आपने क्यों पहन लिया? जब भी ये अलमारी खुलती है ना तो मेरे को ये मिल जाता है, मुझे आ जाता है। पापा देख लिया ना? पापा आपको तो कुछ नहीं कहेंगे। ओए कुछ नहीं कहेंगे। पापा आपको कुछ कहते हैं क्या? कभी भी नहीं कहते हैं ना आपको पापा? पापा कहेंगे हाँ बेटा पहन ले, अच्छा लग रहा है तेरे पे तो। इतना लूज है। ज्यादा सांसने की जरूरत नहीं। वाह 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 वाह। किसने वाह किया था? पहले क्या हो गया साइकिल मैश? चेंज करवानी पड़ेगी ट्यूब तो फिर। ठीक है इसको लेकर चलेंगे हम रिपेयरिंग शॉप पे और ठीक करवा के लाएंगे। अभी तो उसे अंदर रख दो आप। देखो उल्टा काम, साइकिल के आगे की जगह पीछे बैठे। नहीं नहीं इसकी ट्यूब खराब होगी तो और कट लग जाएंगे इस पे। आप इसे अंदर ले चलो प्लीज। चले चलो। हेलो फ्रेंड्स, क्या हुआ? खुद को नहीं मच्छर को मारना था। मच्छर कहीं चैन नहीं लेने देता है। क्या गिर जाओगे आप? अरे देखो मच्छर ऐसा छोटा सा जीव है कि उसके लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि उसे पूरी तरह खत्म किया जा सके। वो कहीं ना कहीं से घुस ही जाएगा। कंबल में भी सो तो अकेले सोने भी नहीं देता वो, उसको सोता है साथ में, मैं ही सोऊं। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए लेकिन कहीं ना कहीं उसका तोड़ निकल ही जाता है। वैसे टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे हैं, आज आप हमसे बातें कर रहे हैं देख रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी तो है। सही है, इम्प्रूवमेंट है। कभी कभी ये टेक्नोलॉजी चकमा भी दे जाती।
ऐसी मूर्खताएं हो जाती है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। मैसेज टाइप करने कुछ जाओ हो कुछ जाता है और झगड़े तक हो जाते हैं। हल्का सा हाथ लगा, टच हुआ और टच स्क्रीन पे सेंड हो गया। देखो ना क्या जमाना आ गया है, मोबाइल की स्क्रीन टच स्क्रीन हो गई है और इंसान इंसान को टच करने से डरने लगा है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी बहुत फायदे की चीज़ है और इसने दुनिया को एक पूरे वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना जो है ना वो सार्थक कर दी है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने मज़ेदार काम भी किए हैं, कई बार मूर्खताएं भी हो जाती है, कई बार पता ही नहीं चलता है। पता है कल टेक्नोलॉजी ने हमारे साथ क्या किया? मेरे को पता है। पता है ना? हाँ पता है। हम बड़े मजे से अपने गृह प्रवेश की फोटो दिखा रहे थे और हम सोच रहे थे कि सबको दिख रहे होंगे, साथ में जो स्क्रीन मूव कर रही है, पता चला वो स्क्रीन गायब हो गई, हमें मूर्ख बना दिया टेक्नोलॉजी ने। सो वेरी सॉरी फ्रेंड्स, कल हम आपके साथ फोटो शेयर नहीं कर पाए, सिर्फ हम ही लोग देख के रह गए। कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी जो हमें पता भी नहीं चली क्योंकि यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा था। फिर जिन्होंने वीडियो देखा उन्होंने हमें बताया कि फोटो तो दिख ही नहीं रहे हैं, स्क्रीन तो कहीं ऐड की नहीं, आपने ऐड तो की थी बट धोखा दे गए टेक्नोलॉजी। तो कोई बात नहीं, कुछ फोटो है हमारे गृह प्रवेश के वो आप आज देख लीजिए। हाँ है ना।
सो फ्रेंड्स फोटो देखे आपने, ये बहुत थोड़े से फोटो है, मीनवाइल हम आगे भी फोटो शेयर करेंगे। क्या हुआ, लग गई? ये इधर नहीं, रहने दो, मेरे उससे बड़ा है इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। अच्छा एक और बात मुझे कहनी है आपसे कि पॉपअप ऑफ द डे वाला सेगमेंट हम कुछ दिनों के लिए रोक रहे हैं क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है, इस पे बहुत सारी अलग अलग चीजें आने वाली है। अच्छा पता है कल क्या है? एक सेकंड। हाँ वो नहीं है। एक सेकंड, ये अच्छा आ रहा है कल। हाँ 4th November वेनसडे। कल करवा चौथ है। एग्जैक्टली कल करवा चौथ है, तो सभी करवा चौथ करने वाली सुहागिनों को, व्रत करने वालियों को अग्रिम बधाई। आप बहुत प्रसन्नता से, खुशी से करवा चौथ मनाएं क्योंकि कल जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो करवा चौथ है, आप मना रहे होंगे। बाकी जो सेलिब्रेशंस है, जो यहाँ पे होंगे, सब लोग करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी वो सेलिब्रेशंस। लेकिन करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई सभी सुहागिनें, अपने घर परिवार में प्रसन्न होकर अच्छे से करवा चौथ का पर्व मनाएं, खूब सजे संवरे। मैंने साइकिल ठीक नहीं हुई। लो तो ये टेंशन है, मेरी साइकिल ठीक नहीं हुई। साइकिल चलाने से फिटनेस मिलती है। सुबह से साइकिल के पीछे पड़ी है तो किसके पीछे पड़ू? मेरे तो रहते ही हो आप साइकिल के हो जाएगी ठीक। वो उधर बड़ी वाली शॉप है ना, पापा ने बोला तो उधर उधर चौराहे पर वहाँ पर लेकर जाएंगे, वहाँ पे ठीक हो जाएगी। यहाँ पे नहीं हो रही तो क्या, वहाँ पे बहुत बड़ी शॉप खुली हुई है एक, चौराहे पर लेकर जाएंगे। चिंता मत करो, मजे करो, खुश रहो, और इसी तरह सबको खुश रहना चाहिए। तो आप लोग कीजिए करवा चौथ की तैयारी। तुम्हें पता है करवा चौथ बहुत अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। अलग अलग मतलब? जैसे पंजाब में कुछ अलग तरीके से मनाई अच्छा जाती है, या उत्तर भारत इस साइड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन मनाई सब जगह जाती है। बहुत बहुत पावन पर्व है करवा चौथ का, रिश्तों के बंधन का, रिश्तों में खूबसूरती लाने का। इसलिए सब लोग तैयारी करें अच्छे से और फिर कल करवा चौथ मनाइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। व्रत करना बहुत कठिन होता है करवा चौथ का, तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से व्रत करिए और सबके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बरसता रहे। तो मिलते हैं कल फिर। टिल देन बाय बाय। मच्छर तू भी बाय बोलेगा? ले बोल। ओ आयो। बोलो ना। हाँ मत बोल, मैं बोलूंगा।